हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी विशाल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना के बारे में। बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट जो हाल ही में निकल कर आई हुई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो ये यूपी स्मार्टफोन योजना है दोस्तों वो किन किन स्कूलों पर मिलेगी और क्या सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी, इसकी सिर्फ सरकारी पर ही मिलेगी। दोस्तों आपको यह इसकी सारी दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम थी कि मतलब प्रॉब्लम बहुत कन्फ्यूज थे कि जो यह स्मार्टफोन योजना मिलेगी सिर्फ सरकारी कॉलेज मिलेगी इसको या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। दोस्तों उसका हम समाधान लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपको हम उसकी पूरी जानकारी दे देंगे, तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं पूरे लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज और किन किन स्कूलों को मिलेगा यह लैपटॉप और टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने क्या घोषणा की थी। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों उन्होंने ये घोषणा अपने मुख्यमंत्री द्वारा की थी। देखिए यहाँ पर क्या दिया, स्नातक परास्नातक तकनीकी और डिप्लोमा के नौजवानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। यूपी सीएम श्री माई ओ जी आदित्य जी पीसी ट्विटर पर। दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप उसके जरिए दोस्तों जहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी दोस्तों वहाँ पर जाकर आप उसे सुन सकते हैं कि उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ विद्यार्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का लाभ देंगे। दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिया है, सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य को वितरित किए जाएंगे लैप टैबलेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ समय पहले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन एवं टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में स्थित 2204 सरकारी हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य को भी टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है। टैबलेट के लिए प्रत्येक स्कूल को 10,000 प्रदान किए जाएंगे जिसके लिए सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन टैबलेट के माध्यम से स्कूल में प्रधानाचार्य टेक्निकल रूप से मजबूत होंगे। इसके अलावा लॉगिन आउटकम एक बोर्ड रिजल्ट का विश्लेषण इसी टैबलेट के माध्यम से किया जाएगा। कई तरह के काम स्कूली स्तर पर इन टैबलेट के माध्यम से किए जा सकेंगे, जैसे कि निरीक्षक की रिपोर्ट, अवस्थान सुविधाएं, जानकारी को आदान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये दोस्तों योजना है वो दोस्तों जो स्कूल में प्रिंसिपल जो दोस्तों हमारे प्रधानाचार्य दोस्तों उन लोगों को भी दिए जाएंगे। इन्होंने दोस्तों घोषणा कर दी है कितने 2204 सरकारी हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में जो टीचर जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन सभी को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों आगे बात की दोस्तों हमारे क्या दिया, प्राइमरी स्कूल में भी प्रदान किए जाएंगे टैबलेट। दोस्तों आपको बता दें कि जो दोस्तों जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है दोस्तों उनमें सिर्फ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं फिर जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये विशेषकर यह योजना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, बस स्कूल में रिजल्ट को विश्लेषण के भी इसी टैबलेट के माध्यम से किया जा सकेंगे। यह टैबलेट वितरण फार्मेंस ग्रेडिएट एजेंट अंतर्गत स्कूल में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षा प्रदान कर रहे स्कूलों को भी टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। यह टैबलेट 1,59,043 सरकारी स्कूल और 880 खंड शिक्षा अधिकारी एवं 4,400 एकेडमी रिफंड पर्सन को प्रदान किए जाएंगे। यह टैबलेट स्कूल में मॉनिटरिंग करने में एक शिक्षा की हजारी बायोमेट्रिक तरीके से प्राप्त करने के भी कारगर साबित होंगे। टैबलेट में उपस्थित डाटा राज्य स्तर पर देखा जा सकेगा जिसमें के लिए क्लाउड स्टोरेज होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये योजना दोस्तों आई हुई है वह दो सिर्फ जो सरकारी स्कूल हैं दो सरकारी कॉलेज क्या दोस्तों सरकारी कॉलेज जो हैं दोस्तों उन लोगों के लिए आई हुई है, दुखी दुख न कि प्राइवेट। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये सरकारी कॉलेज जब ये योजना के जितने लैपटॉप बांट देंगे तो फिर उसे कुछ दिनों बाद दोस्तों फिर एक स्कीम आएगी दोस्तों उसमें जो प्राइवेट कॉलेज कौन दोस्तों प्राइवेट जो प्राइवेट वाले रहेंगे दोस्तों उसके बाद वो लोग भी फॉर्म को भर के और अपना लैपटॉप पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों प्राइवेट कॉलेज वालों को मिलेगा दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों पहले जो सरकारी कर रहे हैं दोस्तों पहले उन लोगों को मिल जाएगा उसके बाद ही जो प्राइवेट में आएंगे उन लोगों को मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।